अपमान का अपमान करना शुरू कर दिया था। ये शाहजादे के दादी के पिताजी, देश के पहले प्रधानमंत्री, उन्होंने ये पाप किया था। उसके बाद उनकी दादी की बारी आई, उनकी दादी ने संविधान को चूर चूर कर दिया, देश में आपातकाल लगाया, देश के लोकतंत्र को ताले में बंद कर दिया, देश के लाखों लोगों को जेलों में बंद कर दिया, अखबारों को ताले लगा दिए। संविधान का घोर अपमान पहले प्रधानमंत्री उनकी दादी के पिताजी ने किया, फिर बड़ा अपमान उनकी दादी ने किया, तीसरा पाप इनके पिताजी जो प्रधानमंत्री थे शाहजादे के, उन्होंने एक ऐसा कानून लाने की कोशिश की। ये संविधान की बातें करने वाले जरा अपने जरोखे में देख ले, उन्होंने ऐसी बातें की, देश के मीडिया को, देश के अखबारों को डराने के लिए एक ऐसा भयंकर कानून लाए, देश का सारा मीडिया मैदान में आ गया, देश का विपक्ष मैदान में आ गया, संविधान के रक्षक भारतीय जनता पार्टी के लोग मैदान में आ गए और उनके पिताजी को झुकना पड़ा। और वो जो संविधान पे खिलवाड़ की कोशिश करती थी वो उनको रोकना पड़ा। ये संविधान को उनके परिवार के तीन तीन लोगों ने तबाह कर दिया है। उसके बाद संविधान से सरकार का जन्म होता है, सरकार की कैबिनेट अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होती है, भारत के संविधान ने उसको संरक्षण दिया हुआ है। मनमोहन सिंह जी की सरकार की कैबिनेट ने एक निर्णय किया, उस निर्णय को ये शाहजादे ने पत्रकार वार्ता करके भारत के संविधान से बनी हुई कैबिनेट के निर्णय को खुले आम चीरे चीरे कर दिया था। और वो संविधान के रक्षण की बातें करते हमारे सामने। साथियों, इतना ही नहीं, भारत का संविधान बना तब देश के विद्वान लोग संविधान सभा में थे और उसमें कोई आरएसएस जनसंघ भाजप तो जन्मा ही नहीं था। उस संविधान सभा में चर्चा हुई, महीनों तक चर्चा चली, डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर ने अपने विचार रखा और संविधान सभा ने निर्णय किया कि धर्म के आधार पर इस देश में कोई आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण दलितों, आदिवासी, ओबीसी के लिए ही होगा, औरों के लिए नहीं होगा। लेकिन आज ये शाहजादे और उनकी चौकड़ी बाबा साहब आंबेडकर की पीठ में छुरा भोंक रही है, भारत के संविधान को रफा दफा कर रही है और वो बेईमानी करके पिछले दरवाजे से धर्म के आधार पर अपनी वोट बैंक को मजबूत करने के लिए दलितों का हक छीनने वा जाए, आदिवासियों का हक छीन रहे हैं, ओबीसी का हक छीन रहे और अपनी वोट बैंक को धर्म के आधार पर आरक्षण देने का खेल खेल रहे हैं। ये कांग्रेस वाले जरा कान खोल कर सुन लो, ये मोदी संविधान मेरे लिए मेरा धर्म ग्रंथ है, मेरी सरकार चलाने के लिए मेरा धर्म ग्रंथ है। और तुम्हें तो मालूम नहीं है, जब भारत के संविधान को 60 साल हुए, इस देश में अकेला मैं मुख्यमंत्री था, अकेला गुजरात का मुख्यमंत्री था जिसने संविधान के 60 साल का उत्सव मनाया था। मैंने सुरेंद्रनगर में हाथी के ऊपर हमारे संविधान को रखा था
और संविधान का सम्मान करते हुए जुलूस निकाला था और उस राज्य का मुख्यमंत्री हाथी पर नहीं बैठा था, संविधान हाथी पर बैठा था और मोदी पैदल चल रहा था ताकि संविधान का सम्मान हो। साथियों, मेरा समर्पण देश के संविधान के शब्दों के प्रति, देश की संविधान की भावनाओं के प्रति। 2014 में देश ने मुझे चुन करके संसद में भेजा और जब मैं पहले दिन संसद में गया तो संविधान का प्रतिबिंब हमारे देश की संसद होती है और पहले ही जाकर के मैंने संसद के सामने सर झुकाया, अपना माथा टेका। बाद में मैंने कदम पार्लियामेंट पे रखा था क्योंकि संविधान के लिए हम समर्पित हैं। 2019 में जब आपने मुझे दूसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर दिया और जब मुझे एनडीए ने अपना नेता चुना तो कार्यभार संभालने से पहले मैंने पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल में संविधान की किताब ला करके रखी थी। पहले मैंने जाकर के संविधान के सामने मारा माथा टेका, जैसे आप गीता रामायण महाभारत के सामने टेकते हो, जैसे कुरान बाइबल के सामने रखते हो, मैंने संविधान के सामने अपना माथा टेका। उसके बाद 2019 में कार्यभार संभालने के लिए मैंने अपना भाषण दिया था। ये मोदी का संविधान के प्रति समर्पण है। ये सत्ता भूख में डूबा हुआ ये शाही परिवार कांग्रेस पार्टी के संविधान को, देश का संविधान छोड़ो, कांग्रेस पार्टी के संविधान को भी मानने को तैयार नहीं है। उसको भी उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया है। सीताराम केसरी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे, रातों रात उनको बाथरूम में बंद कर दिया गया, उठा करके फुटपाथ पर फेंक दिया और संविधान की परवाह किए बिना कांग्रेस पार्टी पर ये शाही परिवार ने कब्जा कर लिया। साझा दे, जरा बोलने से पहले 50 बार सोचना शुरू करो। ये संविधान के लिए नाम पर देश को मूर्ख बनाने के लिए निकले हुए, आपको पता होगा देश का पहला संविधान संशोधन उनके दादी के पिताजी पहले प्रधानमंत्री ने किया था और वो फ्री स्पीच पर ताले लगाने वाला किया था और आखिर में उन्होंने प्रेस पर प्रतिबंध लगाने वाला सुधार करने का प्रयास किया था। ये संविधान के प्रति इनकी भावना है। इनका संविधान मंविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश में सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते, ये वो लोग हैं जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन, जो परंपरा है नियुक्ति की, अब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं, ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और आप अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं संविधान का दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण, ओबीसी का आरक्षण, मुसलमानों को धर्म के आधार पर
नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। मैं आज तेलंगाना की धरती से ऐलान करता हूं, मोदी की तीसरी टर्म में, मोदी की तीसरी टर्म में ये वर्ष हमारे संविधान के 75 वर्ष हो रहे हैं। मैं इतने शान से संविधान का 75वां वर्ष मनाऊंगा और गली गली में जाकर के इनके पापों को खुला करके छोड़ूंगा। अब तो हर घर तक जाऊंगा, उन्होंने संविधान के साथ कैसा खिलवाड़ किया है। ये मेरी तीसरी टर्म में संविधान के 75 वर्ष बड़ी शान से मनाऊंगा, गाजे बाजे के साथ मनाऊंगा और इनके पापों को देश की गली गली में पहुंचा दूंगा। साथियों, जब तेलंगाना संयुक्त आंध्र प्रदेश का हिस्सा था तब 2004 और 2009 में